अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे फंडल पोस्टियर प्लेसेंटा के बेनिफिट्स के बारे में। तो आपका जो ये प्लेसेंटा है, ए पोस्टीरियर प्लेसेंटा मींस दैट योर प्लेसेंटा हैज़ इम्प्लांट ऑन टू द बैक ऑफ योर यूट्रस, यानी यूट्रस के पीछे इम्प्लांट होता है ये पोस्टीरियर प्लेसेंटा। तो दिस मीन्स दैट योर प्लेसेंटा हैव द एडवांटेज ऑफ, यानी आपके प्लेसेंटा के एडवांटेज क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीलिंग योर बेबी मोमेंट अर्लियर, यानी आपको आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी बेबी की मोमेंट बहुत अच्छे से फील होने वाली है अगर आपका प्लेसेंटा फंडा पोस्टीर है। तो मैंने भी अपनी जो लास्ट वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें बताया था कि मुझे 4th मंथ एंड में ही बेबी की मोमेंट बहुत अच्छे से फील होना स्टार्ट हो चुकी थी 4th मंथ एंड में। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, 4th मंथ के एंड ऑफ दी वीक में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बेबी मोमेंट फील होना स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि ये फंडा पोस्टीर प्लेसेंटा होने के बेनिफिट्स हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरा प्लेसेंटा भी फंडा पोस्टीरियर ही है, ग्रेड 1 मेच्योरिटी है। तो फीलिंग योर बेबी मोमेंट अर्लियर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी बहुत स्ट्रांगली आपको किक फील हो सकती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैवी किक्स फील होते थे, तो बता दूं मैं, और बहुत स्ट्रांगली और अच्छे से फील होते हैं, जो कि एक फर्स्ट टाइम मॉम के लिए बहुत अच्छे एंड बहुत अच्छी फीलिंग होती है उस टाइम पर। जैसे ही आप कंसीव करते हो, आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, तो आप वेट करते हैं, एक तो आपकी बेबी की हार्ट बीट अच्छे से नॉर्मल आनी चाहिए, जो कि ये हार्ट बीट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक माँ के लिए। जैसे ही आपकी हार्ट बीट नॉर्मल आती है, तो आप नेक्स्ट वेट करते हो कि कब मेरी बेबी की मोमेंट मुझे अच्छे से फील होना स्टार्ट होगी। ये मोमेंट जो होती है माँ के लिए बहुत अच्छा एक मौका होता है, जो अपने बेबी को फर्स्ट टाइम वो फील करती हैं, जिससे उसे बहुत अच्छी फीलिंग्स और बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं मदरहुड की। तो ये फीलिंग्स हर एक माँ को नसीब हो, बस अल्लाह से यही दुआ है। और जो भी मॉम्स इस वक्त फील कर रही हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी आपका बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड हेल्दी है। तो एज़ वेल एज़ यूर अलाउंस द बेबी टू गेट इन टू द मोस्ट ऑप्टिमम प्लेसेंटा ऑफ बर्थ। तो मेरा भी फंडा पोस्टीरियर प्लेसेंटा था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बेबी भी बहुत अच्छे से फील होता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, और मेरी डिलीवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हुई थी। कुछ ही घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लेबर भी अपने आप ही आया था, मुझे नेचुरली लेबर आया था और डिलीवरी भी नॉर्मल हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फंडा पोस्टीरियर प्लेसेंटा के जो बेनिफिट्स है, इसमें आपको बेबी बहुत अर्ली फील होता है और अर्ली किक्स बेबी के फील होते हैं। तो एक माँ के लिए और क्या चाहिए कि उसका बेबी हेल्दी हो और हार्ट बीट भी अच्छे से आए और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, आपकी जर्नी अच्छे से हो। और यहाँ पर बता दूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, इम्प्रेशन सिंगल लाइफ फीटस ऑफ 21 वीक्स, यानी बेबी सिंगल है कहा गया। पोस्टीरियर वॉल लो लाइंग प्लेसेंटा, मेरा प्लेसेंटा लो भी था और फंडा पोस्टीरियर था, ये दो पॉइंट जो मैं कवर कर रही हूँ। अगर प्लेसेंटा लो आता है तो नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल होता है, मगर मेरी प्रेगनेंसी में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लो था। हावेवर फिर भी बच्चेदानी का मुंह कवर नहीं था, इस वजह से मेरी जो ये डिलीवरी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुई थी और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल का हिस्सा ज़रूर बनना। और मेरा चैनल जो है सक्सेसफुली मोनेटाइज हो गया, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको दिल से थैंक यू सो मच, आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा चैनल जो है सक्सेसफुली मोनेटाइज हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस न्यूज़ बिकॉज आप लोगों के वजह से ही आज ये दिन मेरे चैनल पे मुझे देखने को मिला है, तो दिल से थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे चैनल का हिस्सा ज़रूर बनना। अगर आप में से कुछ मॉम्स हैं जो चाहती हैं कि अपना चैनल चलाएं, ग्रो करें, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस की जो जर्नी है, कैसे मैंने चैनल स्टार्ट किया और कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज़ किया है, वो सब कुछ इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें अगर ज़्यादा कमेंट्स मुझे आते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, अगर अपना चैनल बनाना चाहते हैं, आप में से मेरी तरह जो भी हाउसवाइफ हैं जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ज़रूर कमेंट करना और अपना जो भी है
मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे क्या क्या मैंने कब स्टार्ट किया था, क्या क्या किया था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए, मेरे हक़ में भी दुआ करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, स्टे सेफ।